सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय के मैदान में सोमवार से नाइट कैनवास टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। यह मैच स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के पिता स्वर्गीय कौशल कुमार ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी की याद में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन गढ़वा सदर एसडीओ जियाउल अंसारी एवं गढ़वा पुलिस अधीक्षक सुरेश राव एस खोत्रे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं कबूतर उड़ाते हुए बैट बॉल से हिट मारकर किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि टूर्नामेंट के आयोजन होने से सभी क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, खासकर ऐसी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होना गर्व की बात है। युवाओं को अपने प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है, टूर्नामेंट से लोग मनोरंजन भी करते हैं। वहीं एसडीओ जियाउल अंसारी ने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अंदर छुपे हुए हुनर को चुनकर निखारने का ऐसा मौका मिलता है। खेल कूद के साथ साथ जन समस्याओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मेराल जैसी जगहों पर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होना युवाओं के लिए एक अच्छी पहल है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ इस टूर्नामेंट में खेल प्रदर्शन करने का आग्रह किया। वहीं आयोजन समिति के संरक्षक झामुमो के युवा जिला सचिव अतहर अली ने कहा कि मेराल के युवाओं के इच्छा अनुरूप उनकी पहल पर हम लोगों के द्वारा मेराल में पहली बार नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट के आयोजन में मेराल के सभी वर्ग के लोगों से सहयोग मिल रहा है। खेल के आयोजन से लोगों में आपसी सौहार्द देखने को मिल रही है, साथ ही सामाजिक विकास होता है। इससे पहले आयोजन समिति के द्वारा मुख्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। मंच का संचालन एवं मैच कमेंट्री का कार्य तबीब आलम ने किया। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें पहले दिन हॉस्पिटल 11 मेराल बनाम पुलिस प्रशासन 11 मेराल के बीच खेला गया, जिसमें पुलिस प्रशासन 11 मेराल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। हॉस्पिटल 11 के टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर कुल 90 रन बनाए, जबकि जवाबी पारी खेलने उतरी पुलिस प्रशासन 11 की टीम ने रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट के नुकसान पर अंतिम बॉल पर चौका लगाकर मैच को अपने पक्ष में कर लिया। मौके पर मेराल प्रखंड प्रमुख विकास सिंह कुशवाहा, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष दशरथ प्रसाद, आयोजन समिति के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सुड्डू, रियाज अंसारी, थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार सहित कई लोग मंच पर उपस्थित थे। वहीं मैदान में खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेराल से विवेकानंद चौबे की रिपोर्ट।